कविता राणा, जो पाकिस्तान भारत की पीठ पर छुरा घोंपने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, आज वही भारत की कामयाबी के पीछे अपना हाथ बता रहा है। ना सिर्फ सफलता का क्रेडिट ले रहा है बल्कि मनमोहन सिंह की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल, जो ना सिर्फ भारत की अपार सफलताओं के पीछे पाकिस्तान को मानते हैं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया है। एहसान इकबाल का मानना है कि पाकिस्तान से उधार ली गई योजनाओं से भारत को इतनी कामयाबी मिली है। इस्लामाबाद में पाक नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के उद्घाटन के मौके पर एहसान इकबाल ने कहा, 90 के दशक के दौरान तत्कालीन भारतीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज से आर्थिक सुधार रणनीतियों को उधार लिया और उन्हें सफलतापूर्वक भारत में लागू किया। तो एहसान इकबाल को ऐसा लगता है कि उनसे उधार ली गई नीतियों के चलते ही भारत आज कामयाबी को छू रहा है। इतना ही नहीं, एहसान इकबाल का ये भी कहना है कि पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता के कारण एक दशक पीछे चला गया क्योंकि पाकिस्तान अपनी योजनाओं को इस्तेमाल नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ एहसान इकबाल का ये भी मानना है कि आर्थिक मजबूती के अभाव में अकेले टैंक और मिसाइल से देश को नहीं बचाया जा सकता है। पाकिस्तान के इन दावों में कितनी सच्चाई है फिलहाल ये तो पता नहीं, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि भारत की राहों में रोड़े अटकाने वाला पाकिस्तान आखिर कैसे भारत की कामयाबी के पीछे अपना हाथ बता सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।